क्वेश्चन नंबर टू, इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल मतलब क्या होता है भाई? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि इसके इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे यार, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। मतलब क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बहुत हद तक सिमिलर है, इस वजह से मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, बट ठीक है चलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई से करते हैं, हो सकती है कंफ्यूजन, कोई खास बात नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जीरो, तो ये सही हो गया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल जो है वो हर जगह सेम रहता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर। ऑफ कोर्स जब जीरो है तो हर जगह जीरो है ना, तो सेम तो ही हर जगह, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ए ऑप्शन को देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो लिखा हुआ है। भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो जरूरी नहीं है ना, वो तो मेरी मर्जी है, मतलब वो चॉइस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोई इंफिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माने, तो फिर उस केस में अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होएगा, नॉन जीरो होएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी की इच्छा है कि वो अंदर ही जीरो मानना चाह रहा है, तो बात बिल्कुल सही है कि अंदर जीरो होगा, फिर इन्फिनिटी पे नॉन जीरो हो जाएगा या किसी भी और पॉइंट पे नॉन जीरो हो जाएगा। बट क्या ये जरूरी है कि अंदर जीरो ही होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर यहाँ पर मे भी लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मे भी नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है कि है अंदर जीरो, तो नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं, वो मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बी सी डी इज द आंसर।